अब वीडियो अगर आपने ओपन कर ही लिए तो सुनो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे भी आपको WWE से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने को मिलते रहे जिन पर आपने क्लिक किया है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो इलेमिनेशन चेंबर शो 2020 अब खत्म हो चुका है, सभी मैचेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे सामने, एंड फाइनली इलेमिनेशन चेंबर के शो में जहां पर आप बिल्कुल भी हाइप नहीं थे, मेरे हिसाब से आज का शो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी क्वालिटी वाले मैचेस दिखाई दिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अंडरटेकर ने रिटर्न किया इलेमिनेशन चेंबर के शो में, उन्होंने अटैक किया एजी स्टाइल्स के ऊपर। एक बार फिर से लुचा हाउस पार्टी ने दिखाया कमाल आज के इलेमिनेशन चेंबर शो के टैग टीम मैच के अंदर, एंड कौन जीता उस मैच को इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे शेना बेज़लर के काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस के बारे में झुकी हुई आज के इलेमिनेशन चेंबर के शो में, क्या हम्बर्टो कैरोलो बन पाए न्यू चैंपियन या फिर नहीं, एंड क्या ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाए या फिर नहीं, सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक जरूर देखो क्योंकि मैं जानता हूं काफी लोगों ने आज का इलेमिनेशन चेंबर शो मिस कर दिया होगा, तो सारे मैचेस के रिजल्ट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शो की शुरुआत होती है द वाइकिंग रेडर्स वर्सेस कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर के बीच, जहां पर फाइनली कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर को काफी लंबे टाइम बाद कोई ना कोई मैच में रेसल करने का मौका मिला, स्पेशली कोई पेपर व्यू के किक ऑफ शो में, एंड यहां पर वाइकिंग रेडर्स की जीत तो हो जाती है जब आखिरी में पिनफॉल के कारण हमें कर्ट हॉकिंस को वो लोग पिन करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद डैनियल ब्रायन वर्सेस ड्रू गुलाक के बीच भी मैच होता है, जहां पर ड्रू गुलाक को काफी लंबे टाइम बाद मौका मिला रेसल करने का, एंड मैं तो भूल ही गया था कि ऐसे कोई नाम का सुपरस्टार भी है। और आपको बता दूं इस मैच के आखिरी में स्टिल हमें ब्रायन की जीत दिखाई देती है, लेकिन ड्रू गुलाक की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई देती है, एंड फाइनली WWE ने उन कुछ सुपरस्टार्स को मौका दिया इलेमिनेशन चेंबर के शो में जिन्हें कभी भी WWE के अंदर जल्दी मौका नहीं मिलता है। इसके बाद हमें मेन शो दिखाई देता है, जहां पर मेन शो के अंदर पहला मैच होता है एंड्राडे विद ज़ेलिना वेगा वर्सेस हम्बर्टो कैरोलो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब इस मैच के अंदर हम लोग कर रहे थे टाइटल चेंज एक्सपेक्ट, लेकिन बात कर ले मैच की तो मैच काफी ज्यादा कमाल का होता है। बीच में हमें दिखाई देता है ज़ेलिना वेगा जो बाहर का रिंग का कारपेट वगैरह तो उसको हटा भी देती है ताकि एंड्राडे वहां पर पटक पाए हम्बर्टो कैरोलो को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एंड मैच जो है काफी अच्छा जाता है, दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हर बार की तरह काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन आखिरी में एंड्राडे जो है वो एक रिवर्स कर देते हैं और उनकी टाइट्स पकड़कर उन्हें कर देते हैं पिनफॉल, एंड विक्ट्री यहां पर हो जाती है एंड्राडे की जब वो रिटेन कर लेते हैं अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को। तो यह से थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि हम लोग यहां पर टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद हमें टैग टीम का इलेमिनेशन चेंबर शो का मैच दिखाई देता है जो कि एक कह सकते हो मैच ऑफ द नाइट था। मैं इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यहां पर काफी क्वालिटी वाला मैच जरूर दिखाई दे रहा था, जहां पर मेसन जॉन मॉरिसन ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया द न्यू डे वर्सेस द यूसर्स वर्सेस हैवी मशीनरी वर्सेस लुचा हाउस पार्टी वर्सेस ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड के बीच। अब इस मैच में मुझे लुचा हाउस पार्टी इसलिए पसंद आई क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने अपना हाई फ्लाइंग एक्शन दिखाया जब वो 16 फीट ऊपर से हमें कूदते हुए नजर आए, जो कि काफी कमाल की चीज थी। एंड उसके बाद आपको बता दूं लुचा हाउस पार्टी एंड जैसा मैंने कहा ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड इस मैच को स्टार्ट करते हैं, एंड आपको बता दूं मेसन जॉन मॉरिसन भी उसके बाद एंटर होते हुए नजर आते हैं, फिर हैवी मशीनरी आती है, एंड हैवी मशीनरी जो है वो आते सर ही यहां पर लैमिनेट कर देती है लुचा हाउस पार्टी को, और आपको बता दूं उसके बाद उसोस भी यहां पर बीच में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है यहां पर इलेमिनेट हो जाती हैवी मशीनरी और वो इलेमिनेट होती है ज़ेगलर एंड रॉबर्ट रूड की तरफ से। और आपको बता दूं ओटिस की तरफ से काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है, वो एक बार पॉड के ऊपर भी चढ़ जाते हैं इलेमिनेशन चेंबर शो वाले, एंड वहां से सब पर कूद जाते हैं जो कि काफी कमाल का था। उसके बाद आपको बता दूं ज़ेगलर एंड रॉबर्ट रूड भी इलेमिनेट हो जाते हैं, फिर द न्यू डे भी इलेमिनेट हो जाती है, एंड आखिरी में बचते हैं मेसन जॉन मॉरिसन वर्सेस द उसोस के बीच एक काफी कमाल का मैच, एंड गेस व्हाट यहां पर इलेमिनेशन चेंबर के शो में मेसन जॉन मॉरिसन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया काफी काफी कमाल के मैच में। इसमें कह सकते हैं मैच काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन आखिरी में मेसन जॉन मॉरिसन ने जो चैंपियनशिप रिटेन की वो भी काफी कमाल की बात थी क्योंकि रेसलमेनिया में उनका चैंपियनशिप को ले जाना काफी ज्यादा जरूरी था अगर WWE उनको थोड़ा भी पुश देना चाहती है। उसके बाद मैच दिखाई देता है वो था एज स्टाइल विद ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन, यानी कि पूरी ओसी को उठा लाते हैं वो वर्सेस अलिस्टर ब्लैक के बीच काफी कमाल का मैच। अब मैं काफी कमाल का मैच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं इस मैच के अंदर ये जो दोनों सुपरस्टार्स हैं वो काफी अपनी कमाल की परफॉर्मेंस जरूर देते हैं, वैसे भी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था तो कैंडो स्टिक वगैरह का भी इस मैच के अंदर हमें यूज होता हुआ नजर आया, लेकिन आपको बता दूं आखिरी के अंदर क्या होता है हमें दिखाई देता है कि जब ओसी क्लब जो पूरा है वो मारने लग जाते हैं यहाँ पर अलिस्टर ब्लैक को, तो अचानक से होती है लाइट्स ऑफ एंड अंडरटेकर वहां पर आ जाते हैं जब एज स्टार फिनोमिनल फोरआर्म देने
चलते हैं एलिस्टर ब्लैक को। एंड जैसे ही अंडरटेकर आते हैं यहाँ पर वो चोक स्लैम लगा देते हैं ल्यू गैलोस एंड कार्ल एंडरसन को। उसके बाद एजे स्टाइल्स जो अपनी फिनोमिनल फोरआर्म देने चलते हैं अंडरटेकर को, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी चोक स्लैम पड़ जाता है। एंड उसके बाद लाइट्स बंद होते हैं एक बार फिर से। एंड जो यहाँ पर कह सकते हो एलिस्टर ब्लैक है वो पिनफॉल विक्ट्री से हरा देते हैं एजे स्टाइल्स को। एंड ब्लैक मास्क भी पड़ने के बाद एजे स्टाइल्स का यहाँ पर हो जाता है काम तमाम एंड एलिस्टर ब्लैक की हो जाती है इस मैच में जीत। तो यहाँ पर अंडरटेकर की रिटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। एंड इसके बाद जो मैच होता है वो होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। एंड इस मैच के अंदर वाइकिंग रेडार्स भी आ जाते हैं जब एओपी मैच में इंटरफेयर करने का सोचती है ताकि सेथ रॉलिंस जीत जाए, लेकिन हमें दिखाई देता है मैच के बीच में पॉपकॉर्न लेकर केविन ओवंस भी आ जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है मैच के अंदर। एंड जब सेथ रॉलिंस बाहर जाते हैं जो केविन ओवंस है वो पॉपकॉर्न उठाते हैं और वो मारते हैं सेथ रॉलिंस के फेस के ऊपर, लेकिन आखिरी में मैच के हमें जीत दिखाई दे जाती है यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से जब वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद हमें केविन ओवंस का एक स्टनर भी इस मैच के अंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद जो ब्रॉन स्टोमन उसे सैमी ज़ेन वर्सेस सेज़ारो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का हैंडीकैप मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का वो स्टार्ट हो जाता है। ब्रॉन स्टोमन काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन मैच की एंडिंग जो काफी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि यहां पर ब्रॉन स्टोमन अपनी चैंपियनशिप हार चुके एंड सैमी ज़ेन के पास आ चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि काफी अजीब चीज थी क्योंकि मेरे हिसाब से यहां पर ब्रॉन स्टोमन को जो चैंपियनशिप है वो अपनी कम से कम रेसलमेनिया तक तो ले जानी थी, लेकिन WWE थी भाई यहां पर कुछ ना कुछ WWE चेंज दिखाती है शो के अंदर। एंड यहां पर हमें हारते हुए नजर आते हैं ब्रॉन स्टोमन एंड न्यू चैंपियन है सैमी ज़ेन। उसके बाद होता है एलिमिनेशन चेंबर शो का मैच जो कि था वुमेन्स का, जहां पर नटालिया वर्सेस लिम मॉर्गन वर्सेस आस्का वर्सेस रूबी राइट वर्सेस चाइना बेज़लर वर्सेस सारा लोगन के बीच मैच होता है। मैच की शुरुआत होती है रूबी राइट एंड नटालिया के साथ, फिर लिम मॉर्गन आ जाती है, फिर सारा लोगन आ जाती हैं और ऐसे ही जो तीनों सुपरस्टार्स हैं हमें काफ़ी कह सकते हो तगड़े मैच में लड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही शायना बेज़लर आती हैं, शायना बेज़लर आते सभी पहले रूबी रायट को इलेमिनेट करती हैं, फिर नटाले को इलेमिनेट करती हैं, फिर सारा लोगन को इलेमिनेट करती हैं, फिर लिव मॉर्गन आ जाती हैं उन्हें भी वो इलेमिनेट कर देती हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड सेट कर दिया उन्होंने आज के इलेमिनेशन चेंबर के शो में। फिर आस्का आखिर में बहुत ज़्यादा फुदकती होती हैं, वो कहती हैं मैं ही तुम्हें हराऊंगी, कुछ चाइनीज़ भाषा में बोलती होती जो कि मुझे पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आस्का आते काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं वो अपनी, लेकिन यह शायना बेज़लर के सामने किसने रुकना था। एंड शायना बेज़लर ने यहाँ पर भी उन्हें एक लॉक डाल देती हैं जब आस्का बेहोश हो जाती हैं। एंड जो रेफनी इस बात को अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर आस्का हार चुकी है एंड शायना बेज़लर जाने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और काफ़ी कह सकते हो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी शायना बेज़लर की क्योंकि उन्होंने सारे सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया आज के एलिमिनेशन चेंबर के शो में। तो गाइज ये था एक एलिमिनेशन चेंबर का शो जिसे मैं रेटिंग्स देना पसंद करूंगा 5 में से 3.5 क्योंकि जो मैचेस की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स थे वो जो बड़े सुपरस्टार्स थे वो मिसिंग थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो कह सकते बाकी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। स्पेशली जो स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ वो तो काफ़ी कमाल का था। शेना बेज़लर की जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि हम सभी ने इतनी डोमिनेट परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन आप कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड गाइस जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो नीचे वीडियो को ऑफकोर्स लाइक की बजाय तो कहीं मजा आना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।